हे गोल्डीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हाल में आई एक कमाल की मूवी मैरी क्रिसमस, जिसमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति लीड रोल में है। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चले कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं जहाँ एक तरफ मिक्सी से दवाई पीसी जा रही है और दूसरी तरफ दाल और मसाले। फिर कोई आदमी मिक्सी में रिंग छुपा देता है। बाद में हम एल्बर्ट नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि मारिया नाम की लेडी और उसकी बच्ची एनी के साथ क्रिसमस दिन घूम रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शुरू से कहानी बताते हैं, जहाँ एल्बर्ट काफ़ी टाइम के बाद बॉम्बे आता है और यदुम अंकल से मिलता है जो कि उसके पड़ोसी है। यदुम अंकल एल्बर्ट से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और वह एल्बर्ट को उसके रूम में लेकर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि एल्बर्ट 7 साल से के बाद दुबई से वापस आया है और उसकी माँ इस दौरान भगवान के पास चली गई है। एल्बर्ट अब घर में उसकी चीज़ें चेक करता है और फिर थोड़ी देर में बाद यदुम अंकल उनकी बनाई हुई दारू लेकर आते हैं, जिसके बाद वह एल्बर्ट को उसके घर खाने पे इनवाइट करते हैं। अब एल्बर्ट बोलता है कि आज वह बाहर जाएगा। फिर एल्बर्ट अपनी माँ की फ़ोटो के आगे मोमबत्ती जलाकर कुछ बुक्स देखता है और वहाँ पर पड़ी फ़ोटोज़ को फाड़ देता है। अब यह सब करने के बाद एल्बर्ट बाहर घूमने चला जाता है और एक पब्लिक फ़ोन से किसी को कॉल करता है। जैसे ही बाहर आता है तब वह देखता है कि सामने से पुलिस आ रही है और वह तुरंत साइड की गिफ्ट शॉप पर चला जाता है, जहाँ से एल्बर्ट एक शॉपिंग आइटम खरीदता है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करता है। इसके बाद जब वॉशरूम जाता है तब वहाँ पर एक आदमी एल्बर्ट को बोलता है कि सामने एक लेडी बैठी है, उसको बोलना है कि साथ वाला आदमी चला गया है क्योंकि उनको कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। एल्बर्ट उस लेडी को जाकर सब बताता है कि उसके साथ जो आदमी आया था वो चला गया। दरअसल उस लेडी का नाम मरिया होता है, जो कि उसकी बेटी एनी के साथ रेस्टोरेंट आई थी। एल्बर्ट को मरिया पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और मरिया को यह सब बताने के बाद एल्बर्ट अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वह मरिया को दूर से ही देखता रहता है। फिर जैसे ही मरिया उसकी बेटी एनी के साथ जाती है तब एल्बर्ट भी अपना खाने का ऑर्डर छोड़ के उसके पीछे आ जाता है। एल्बर्ट देखता है कि मरिया फिल्म देखने थिएटर जा रही है तो वो भी मूवी का टिकट लेता है। अब थिएटर के अंदर मरिया और एल्बर्ट आगे पीछे बैठे थे, तब उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है जहाँ एल्बर्ट को पता चलता है कि मरिया की बच्ची एनी बोल नहीं सकती। फिर वहाँ एनी मूवी देखते देखते सो जाती है और एकदम से एल्बर्ट मूवी थिएटर से गायब हो जाता है। अब जब मरिया अपनी बेटी एनी को लेकर घर जाने लगती है तब बाहर एल्बर्ट मरिया को उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि मरिया की गोदी में एनी और टेरी दोनों थे। अब रास्ते में एल्बर्ट और मारिया की बातचीत होती है, तब हमें पता चलता है कि एल्बर्ट एक आर्किटेक्ट है और मारिया की एक बेकरी है जहाँ से वह कुकीज़ बनाकर स्कूल और कैंटीन में बेचते हैं। अब एल्बर्ट और मारिया की पहली बार में ही बीडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तभी मारिया एल्बर्ट को बोलती है कि उसकी शादी हो रखी है और उसका पति आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके बिस्तर में क्रिसमस मना रहा होगा, तो उसने सोचा कि उसे भी रिवेंज डेट करनी चाहिए। तो वह एक आदमी के साथ डेट पर गई थी जो कि उसकी बच्ची को देखकर भाग गया और यह सीन हमने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में देखा था। इसके बाद एल्बर्ट और मारिया अब उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां मारिया एल्बर्ट को शराब ऑफर करती है और बोलती है कि वह अपनी बेटी को रूम में सुला कर आती है। एल्बर्ट उसका गिफ्ट शॉप से लिया हुआ शॉपिस आइटम मारिया को क्रिसमस ट्री पर लगा देता है और रूम में पड़ी चीज़ें देखने लगता है। फिर मारिया अब एल्बर्ट के पास जाती है और म्यूज़िक लगा कर दोनों खूब डांस करते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं। अब दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और एल्बर्ट मारिया को उसकी लव स्टोरी बताता है, जहाँ से वह अपने बॉस की बीवी रोजी से प्यार करता था। धीरे धीरे उनकी बात आगे बढ़ी और वह दोनों घुल गए, जहाँ उन्होंने 2 महीने काफ़ी एंजॉय किया। फिर जब रोजी की उसके पति को डिवोर्स देने की बारी आई तो रोजी एल्बर्ट को मना करके चली गई। उसने बोला कि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मतलब कि यहाँ पर एल्बर्ट का कट गया था। इस बात को 7 साल बीत चुके थे। मारिया भी अब उसकी स्टोरी बताती है कि वह उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त जेरोम को पसंद करती थी, फिर थोड़े टाइम बाद जेरोम के कहने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के बाद ये दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जेरोम मारिया पर शक करने लगा। उसका शक इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको लगता था कि यानी उसकी बच्ची नहीं है। फिर मारिया ने जब एक दिन जेरोमी को किसी और लड़के के साथ देखा तो वह उल्टा मारिया को ही ब्लेम करने लगा और उसके कुछ दिनों बाद से ही उसकी बेटी एनी ने भी बोलना बंद कर दिया। तब से सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। अब हम देखते हैं कि एल्बर्ट ने थोड़ी देर पहले काफ़ी सारी पेपर की ड्रग बनाई हुई थी, जिसे वह दोनों जलाकर विष मांगते हैं।
क्योंकि क्रिसमस पर लोग ऐसा रिवाज करते हैं। मारिया अब उसकी बेटी एनी के लिए एक नोट लिखकर रखती है और एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में क्रिसमस की रात काफ़ी जगह घूमते हैं और फिर वह एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहाँ वह एल्बर्ट के अंकल की दी हुई दारू पीते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आकर किस करने लगते हैं। तब मारिया को शीशे में कुछ दिखता है और वह वॉश बेसिन पर जाकर कुछ साफ करती है, जिसके बाद एल्बर्ट वापस मारिया को घर छोड़ने जाता है। अब जैसे ही एल्बर्ट घर जाने लगता है, तब मारिया एल्बर्ट को उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए ऊपर चलने के लिए कहती है। अब जैसे ही ये दोनों ऊपर जाते हैं तो एल्बर्ट देखता है कि रूम में चेयर पर जेरोम की लाश पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि जेरोम ने सुसाइड किया है, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी जो कि उसने खुद की तरफ करी हुई थी। मारिया एल्बर्ट को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तब एल्बर्ट डर जाता है और बोलता है कि पुलिस आएगी तो उसको ही पकड़ेगी, क्योंकि रोजी को पहले उसने ही मारा था। पुलिस का सारा शक एल्बर्ट पर आएगा और एल्बर्ट की वजह से मारिया भी ये फंस सकती है। अब एल्बर्ट अपने फिंगरप्रिंट साफ कर देता करके क्रिसमस ट्री पर उसका गिफ्ट देखता है, वह गिफ्ट तो वहाँ था ही नहीं, जिसके बाद वह एल्बर्ट को वहाँ से भाग जाता है और मारिया पुलिस को कॉल करती है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाता है, जब एल्बर्ट और रोजी के बीच थोड़ी बहस हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके बीच सब सही हो गया था। एल्बर्ट ने फिर रोजी को डोसा बनाकर खिलाया और दूसरी प्लेट में मसाले के अंदर रिंग छुपाकर रोजी को प्रपोज किया, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि कोई मसाले में रिंग छुपा रहा है, पर रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया, जिसके बाद एल्बर्ट ने गुस्से में रोजी को जान से मार दिया। इसी वजह से वह साथ साथ की सजा काट रहा था, यानी कि एल्बर्ट ने झूठ बोला था कि वो कोई दुबई से नहीं आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट मारिया के घर से आकर रास्ते में चाय पी रहा था, तो वह मारिया को उसकी बेटी एनी के साथ कहीं जाता हुआ देखता है और वह उनका पीछा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया एक चर्च गई है, जहाँ वह बेहोश हो जाती है। फिर एक रोनी नाम के आदमी को मारिया को उठाया और चर्च के बाहर ले गया। तब एल्बर्ट भी मारिया को मिलता है, पर मारिया एल्बर्ट को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एल्बर्ट तो मारिया पर शक हो रहा था। अब मारिया और उसकी बच्ची को घर छोड़ने के लिए कहता है और एल्बर्ट से कार चलाने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके बाद वह सब मारिया के घर जाते हैं। अब घर पहुंचकर मारिया रोनी को शराब ऑफर करती है और एल्बर्ट यह सब देखकर सोचता है कि ऐसा ही कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुआ था और वहाँ से जेरोम की लाश भी गायब थी, साथ ही एल्बर्ट का गिफ्ट भी अब क्रिसमस ट्री पर लटका था। मारिया अब उसकी बेटी को सुलाने जाती है, तब रोनी एल्बर्ट को बोलता है कि हम दोनों ट्राई करते हैं, जिसका लग अच्छा हो मारिया उसकी होगी। फिर मारिया अब बनी को सुलाकर आती है और रोनी को बुलाती है, उसकी गाड़ी में चर्च में छूट गई थी इसलिए उन्हें लेने जाना होगा। तब रोनी बोलता है कि रास्ते में वह एल्बर्ट को छोड़ देंगे। असल में रोनी एल्बर्ट को साइड करके मारिया के साथ एंजॉय करना चाहता था, पर उसको नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब एनी मारिया के साथ चर्च जाता है और एल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देता है, लेकिन एल्बर्ट तो वहाँ से वापस मारिया के घर चला जाता है और माँ उसे जेरोम की लाश दिखती है। फिर हम हैनी के पास जाकर उसे कहानी सुनाता है और तब तक रोनी और मारिया वापस आ जाते हैं। फिर रोनी देखता है कि जेरोम चेयर पड़ी हुई है और उसको भी यह सुसाइड लग रहा था। मारिया रोनी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और रोनी तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुला लेता है। तभी मारिया एल्बर्ट को उसके घर में देख लेती है और वहाँ चुपके से जाने को कहती है, मतलब कि ये सारा प्लान मारिया का किया हुआ है। एल्बर्ट जैसे सीढ़ियों से रास्ते निकलने लगता है, तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है। तब एल्बर्ट ऊपर के रूम में जाकर छिप जाता है और वहाँ से वह कुछ ऐसा दिखता है जिसके वह चौंक जाता है। पुलिस वाले मारिया के घर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रोनिक पुलिस को सब बताता है कि वह मारिया से कैसे मिला और क्या क्या हुआ। बस उससे एल्बर्ट के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि पुलिस ने आने से पहले ही रोनी को मार कर बोल दिया था कि एल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से कुछ दिन के लिए आया है। तो हम एल्बर्ट को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पुलिस वाला अब मारिया से रोनी की गन के बारे में पूछा है, तब मारिया बोलती है कि गन उसी की है और जेरो से ड्रग्स भी लेता था, जिसके बाद मारिया रोनी की एक्टिंग करने लगती है। पुलिस वाला मारिया की बेटी एली से पूछता है, मगर वह तो बोल ही नहीं सकती थी। वहाँ कांस्टेबल लक्ष्मी को लग रहा था कि यह सब मारिया रोनी के मिलकर किया है, जिससे वह दोनों मिलकर उसके पति जेरम को हमेशा के लिए साइड करके कर सके। रोनी अब अपने वॉलेट को सोफे के पास ढूंढता है, पर वो उसको वहाँ मिलता ही नहीं है, जिसकी क्राइम सीन पर कहीं गिर गया था।
पुलिस अब मारिया को रूम में सील कर देते हैं जहाँ लाश मिली थी और बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। अब मारिया एक वुड कटर लेकर ऊपर वाले रूम में आ जाती है और वहाँ पड़ा सारा सामान काटने लगती है। तभी वहाँ एल्बर्ट आ जाता है और मारिया उसी पर ही अटैक कर देती है, पर एल्बर्ट किसी तरह उसे रोक लेता है। एल्बर्ट अब मारिया को बोलता है कि तुमने ऊपर और नीचे का कमरा बिल्कुल सेम बनाया है ताकि उसको पता ही ना चले कि नीचे रोमी की लाश पड़ी थी और ऊपर करूँ खाली है। तभी अल्बर्ट जब पहले आया था तो उसको लाश नहीं दिखी थी, फिर जब वह के साथ उसके साथ घूमने आया तो रूम में लाश पड़ी थी। अल्बर्ट को यह सब तब पता चला जब वह पुलिस से बचने के लिए ऊपर वाले रूम में गया और इसी कारण वह चौंक गया था कि अल्बर्ट मारिया से पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। तब मारिया बताती है कि उसने यह सारी प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले की थी क्योंकि उसके पति ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी नरक बना रखी थी। मारिया ने जेरम को विस्की में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स पीसकर मिला दिए थे जिससे वह बेहोश हो गया और यह सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जहां एक तरफ मसाले और दूसरी तरफ दवाई पीसी जा रही थी और वह अलग अलग सीन इन दोनों के थे। फिर बताती है कि जब वह अल्बर्ट के साथ पहले आई थी का एनी को सुलाने के बहाने नीचे रूम में जाकर जेरम को मार दिया था और दूसरी बार जब वे आए तो वह सीधा नीचे वाले रूम में गए थे। तभी उनको जेरम की लाश मिली और एल्बर्ट को तभी उसी समय उसका गिफ्ट क्रिसमस ट्री पर नहीं मिला जो कि ऊपर वाले रूम में था। एल्बर्ट अब मारिया की मदद करने लगता है क्योंकि उसके साथ भी रोजी ने कुछ ऐसा ही किया था, शायद एल्बर्ट मारिया को चाहने लगी थी। एल्बर्ट और मारिया ऊपर के रूम में पूरा तोड़कर सारा सामान नीचे बेकरी में आग में जला देता है ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये मर्डर है। मारिया अब रोनी के पर्स को भी जलाने के लिए कहती है जो कि उसे ऊपर के रूम में मिला था, मगर एल्बर्ट बोलता है कि वह यह पर्स चर्च के अनबॉक्स में डाल देगा जहाँ से पर्स रोनी को मिल जाएगा, तब नहीं तो पुलिस वाले उस पर शक करने। फिर एल्बर्ट जाते हुए मारिया को उसका गिफ्ट एनी को देने के लिए कहता है और कहता है कि उसे बोलना कि सेंटा ने दिया है और एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में पुलिस वाला एनी को पुलिस स्टेशन में रानी को पुलिस स्टेशन में खूब मारता है जिससे उसको एल्बर्ट के बारे में पता चलता है। और फिर अब पुलिस वाले एल्बर्ट को उसके घर से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और वहाँ एल्बर्ट पुलिस स्टेशन में भी पेपर की ड्रग बनाकर टेबल पर रखता है। फिर इंस्पेक्टर आता है और एल्बर्ट को रूम में ले जाकर पूछताछ करता है जहाँ एल्बर्ट उसके साथ हुई सारी बातें बता देता है कि वह मारिया और रोनी से कैसे मिला और क्या हुआ। इधर मारिया और उसकी बेटी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था ताकि मारिया की क्लोजिंग स्टेटमेंट ली जा सके क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सुसाइड आया था। मारिया अब अपनी स्टेटमेंट देती है कि लास्ट में बोलती है कि अल्बर्ट नाम के आदमी ने उसकी हेल्प की थी जिससे रोनी और उसके रास्ते में जाते हुए छोड़ दिया था। वहाँ मारिया ने अल्बर्ट का नाम इसलिए बताया था क्योंकि मारिया को भी पता चल गया था कि अल्बर्ट को भी यहाँ बुलाया गया है। वो भी टेबल पर रखी डक को देखकर अब एल्बर्ट मारिया और रोनी की स्टेटमेंट सेम होती है और पोस्टमार्टम में भी सुसाइड आया था तो इंस्पेक्टर केस को क्लोज करने की सोच लेते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर के अनुसार एल्बर्ट तो कल ही जेल से छुटकर आया है तो वह मर्डर नहीं कर सकता। और रोनी की वाइफ से भी पता चलता था कि वह सिंपल बिजनेसमैन है तो वह सब मारिया की मदद कर रहा था और जाहिर सी बात है कि मारिया अपने हस्बैंड को क्यों ही मारेगी। वही क्राइम सीन में एविडेंस को भी देखकर लग रहा था कि जेरम ने ज़्यादा ड्रग्स ली हुई थी और उसने जैसे ही मारिया को लेटर देखा कि वह बाहर किसी आदमी के साथ जा रही है उसमें गिफ्ट में आकर सुसाइड कर लिया था। अब मरवानी पुलिस को उसकी एक बात बताता है कि उसने अपना पर्स जानबूझकर मारिया की सोफे में छुपाया था ताकि वह उससे दोबारा मिल सके, पर मर्डर के बाद उसने चेक किया था कि रोनी का पर्स था ही नहीं, मतलब कि वहाँ पर कोई चोर आया होगा जिससे रोनी का पर्स चुराया और जेरोमी का मर्डर किया दिया। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है कि ठीक है वह आगे केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इंस्पेक्टर एनी को गिफ्ट दिखाकर पूछता है कि ये किसने दिया, तब एनी बोलती है कि ये तो वो एल्बर्ट की तरफ इशारा कर देती है। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि एनी अब बोलने लगी थी और मारिया एनी को जाकर गले लगा लेती है। अब एल्बर्ट सोचता है कि एनी बोलने लगी है यानी इससे मारिया फिर सकती है, तो वह रोनी का पर्स निकालकर पुलिस को दे देता है जिससे पुलिस का सारा शक एल्बर्ट पर आए और उनको लगे कि जेरम का मर्डर एल्बर्ट ने ही किया होगा और इससे मारिया बच जाएगी। एल्बर्ट अब रोजी की रिंग मारिया को पहनाता है
जिसका मतलब ये है कि अल्बर्ट रोज़ी को भूल गया है, क्योंकि अल्बर्ट ने पहले कहा था कि जब वह ये रिंग किसी को पहनाए मतलब कि वह रोज़ी को भूल गया है, और फिर यह साइड में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद यह मूवी पर यहाँ पर ख़त्म होती है। यानी दोस्तों, मारिया को बचाने के लिए अल्बर्ट ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। आपको यह मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा किसी। वैसे आपको बता दूँ, यह मूवी अंधाधुन के डायरेक्टर ने बनाई है, और यह मूवी भी वैसे ट्विस्ट से भरी पड़ी है। वैसे अब इसके बाद आपको एक कमाल की वेब सीरीज़ देखनी है, तो आप यह वीडियो देखिए और लाइक शेयर और कमेंट करिए।